आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर, आज 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तापमान। शीतलहर बढ़ाएगी लोगों की मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 महिला नक्सली ढेर। फाइजर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि साल 2024 तक पीछा नहीं छोड़ेगी कोरोना महामारी। लखनऊ में पीएम मोदी की होगी मेगा रैली की तैयारी, बीजेपी का 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का प्लान। सपा नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे पर बोले अखिलेश यादव, चुनाव से पहले जानबूझकर करवाई गई कार्रवाई। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सपा के 3 बड़े नेताओं के ठिकानों पर रेड की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेन्द्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई है। इस छापेमारी पर अखिलेश यादव ने कहा कि जमकर निशाना साधा और भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, कई बातें बोली हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आया है तभी इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने यूपी को पीछे छोड़ दिया है, जनता को सरकार ने अपमानित किया है, डरकर 3 कृषि कानून वापस ले लिए, विजय रथ यात्रा को जनता का समर्थन मिला है, किसानों का सरकार ने अपमान किया है। 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लखनऊ और मऊ की ये तस्वीरें हैं जहां घर पर छापेमारी हुई है। ये सपा नेताओं के घर है जहां पे इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है और जिसपे अब अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। तो अखिलेश यादव ने अपने बयान में काफी कुछ कहा है और भाजपा पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि आईटी छापेमारी पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को हार सताएगी तो दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। अभी इनकम टैक्स विभाग आया है, फिर ईडी भी आएगी, तो इनकम टैक्स ईडी दोनों की बात कही है। उन्होंने कहा कि डर सता रहा है सरकार को, इसलिए इस तरीके का कार्रवाई करवाई जा रही है। राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश ने कहा। उन्होंने कहा कि आज उनके यहाँ भी छापा मारा, चुनाव से ठीक पहले उनके यहाँ छापा मारा है, ये कार्यवाही भी 1 महीने पहले कर सकते थे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अब इनकम टैक्स विभाग भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ गया है, भाजपा के पास कोई नया रास्ता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी को पीछे छोड़ दिया है, जनता को सरकार ने अपमानित किया है, डरकर 3 कृषि कानून वापस ले लिए, विजय रथ यात्रा को जनता का समर्थन मिला है, किसानों का सरकार ने अपमान किया है, आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा। तो अखिलेश ने सीधे तौर पर तंज कसा है और कहा है कि जिस तरह से सरकार का काम देखने को मिल रहा है उसकी वजह से आने वाले समय में सफाया हो जाएगा, आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा। इनकम टैक्स विभाग का भी इंतजार था, अखिलेश ने कहा, जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके बाद कहा गया कि इनकम टैक्स का भी इंतजार था, आगे ईडी की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, चुनाव से पहले डर सता रहा है सरकार को, इनकम टैक्स विभाग का इंतजार था, अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी यूपी आएंगे, हार की डर से इनकम टैक्स विभाग को भेजा गया है। राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स भी चुनाव लड़ने यूपी में आया है, ये छापा 1 महीने पहले क्यों पड़ा, ये सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने। चुनाव आते ही बीजेपी धर्म का चश्मा लगा लेती है, इसका भी आरोप लगाया, धर्म की राजनीति का आरोप लगाया अखिलेश ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई नया रास्ता नहीं बचा है, बीजेपी अब डर गई है, बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इस ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है। तो कई बातें बोली, बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आया अखिलेश, और जिस तरह से छापेमारी की गई है इनकम टैक्स की उसके ऊपर उसको लेकर भड़के हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि 3 नेताओं के घर छापेमारी की गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश ने और क्या कुछ कहा है छापेमारी की इस कार्यवाही पर। नैतिक नहीं तो और क्या हो सकता है, मेरा कौन सा अपराध है, ये तो पुलिस वाले लोग हैं, अकेला साथ देता हूं जिसके नाम के साथ कोई अपराध संख्या नहीं लिखा है,
कोई अपराध संख्या मेरे नाम के साथ नहीं लिखा है, मेरा कोई यूपी में कारोबार नहीं है, कोई मेरा ठेका केटा परमिट लाइसेंस वाला कोई धंधा नहीं है। थोड़ा क्या चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है अंदर? अब वो लोग अपना मेरे मोबाइल को क्लोनिंग कर रहे हैं और भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए आप इसका जो काम कर रहे हैं इनकम टैक्स के लोग हैं जो काम कर रहे हैं इनको करने दें। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं सुन लो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि इनको मौका न दें कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाकर आपके ऊपर FIR करें, आपके ऊपर केस करें, फिर हम लोग उलझ जाएं। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, मेरा क्लीन इमेज है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। अमित शाह की रैली की वजह से ये सब किया, किस तरह का अमित शाह इसकी वजह से हो रहा है आप समझ रहे हैं ना? अमित शाह के चेक करने का है, यहीं पर मऊ में चले जाए उनके लोगों के पास, वही मऊ में है हिम्मत तो चुनौती देता हूँ, चले जाए, नहीं जाएंगे, राजनीति में सफाई की बात है। अपना प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे नौजवानों, दिलीप पांडे हो, किसी से कोई या सो नारेबाजी मत करो, नारेबाजी करोगे तुम लोगों को बस केस नोटिस जाएगा और परेशानी होगी। केस का और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट, अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, CBI आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं, आज उनको भी छापा मार दिया। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे प्रशासन के लोग खड़े हैं और ये माननीय राजीव राय राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का ये कार्यालय है और ये वो कुछ दिन से आरा के निवास करके चुनाव प्रचार की तैयारी में लगे हुए हैं और आज अचानक सुबह प्रशासन के लोग यहाँ कुछ लोग आए हैं, अंदर किसी विभाग के लोग मौजूद हैं, हम लोगों को अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं और बता भी नहीं रहे कि आखिर क्या कार्रवाई चल रही है, अंदर से दरवाज़ा बंद है और उनके सभी समर्थक यहाँ धीरे धीरे जुट रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई हो रही है, कौन सी कार्रवाई हो रही है, कुछ कोई किसी तरह की सूचना जानकारी नहीं दी जा रही है, कुछ नहीं बताया जा रहा है कि हमको कोऑपरेट कीजिए, हम लोग तो समय मांग रहे हैं केवल कि आप लोग बाहर रहिए, कोई ना अंदर आएगा ना कोई अंदर से बाहर जाएगा। ये तो सरकार की तानाशाही रवैया का सीधा सीधा उदाहरण देखा जा रहा है, सरकार के हताशा और निराशा का ये कारण है कि प्रशासन अपनी मनमानी पर उतर आई है। ये लगभग लगभग दो डेढ़ से दो घंटे हो गए सुबह से ही चल रहा है, सुबह से ये लोग आ गए, हम लोग सारे समर्थक उनके लोग बाहर खड़े हैं, प्रशासन से पूछा भी जा रहा है, कोई कुछ बताने को भी नहीं तैयार है, तो कुछ नहीं बताया जा रहा है, नहीं रहा। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, तो मतलब कोऑपरेट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। बलिया के टाउन हॉल में समाजवादी पार्टी की ओर से महिला जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए बच्चियों का बाल विवाह हो रहा है, बाल विवाह में UP नंबर 1 है। सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि शादी की उम्र बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री योगी जी को बाल विवाह और महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की मैं मोर्चा की अध्यक्ष नहीं, आधिकारिक प्रवक्ता हूँ और कोई भी बिल अगर संसद में आता है तो समाजवादी पार्टी इंक्लूडिंग कृषि कानूनों पर चर्चा करना चाहती थी। तो एक मिनट, केवल घोषणा करने से डिसाइड नहीं होगा कि बढ़ानी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जुगल किशोर वाल्मीकि मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने BJP पर हमला बोलते हुए कहा कि वो पश्चिम के 38 जिलों में भ्रमण कर चुके हैं और जनता भाजपा से खासा नाराज है क्योंकि भाजपा हिंदुत्व के नाम पर लूट कर रही है। COVID-19 के दौरान जहां अपनी जान की बाजी लगाकर सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य और पुलिस ने जनता की सेवा की है, उनमें सफाई कर्मचारियों को इनाम स्वरूप सरकार ने 6 महीने का वेतन भी नहीं दिया। देश का प्रधानमंत्री सफाई मजदूरों के पैर धोने का ड्रामा करता है, आप मालिक हो, राजा हो, अगर यही काम आप पूरे देश के कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ नौकरियां निकाल देते। आज तक उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है,
संविदा कर्मचारियों को जो वेतनमान अखिलेश यादव जी ने दिया था वही वेतनमान आज भी मिल रहा है। ठेके कर्मचारियों को जो 7.5 हमने दिया वही वेतनमान आज मिल रहा है। इस 5 साल में 5 रुपए नहीं बढ़े। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी सबसे पहले संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और ठेके के कर्मचारियों को जो वेतन मिल रहा है उसका दुगना वेतनमान कर्मचारियों को दिया जाएगा और जो बेरोजगारी का आलम है माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व अखिलेश यादव जी ने हमें विश्वास जताया है सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मुकेश सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपना सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान किया। इसी को लेकर डॉक्टर मुकेश सिंह ने गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए रुसवाइयों के बारे में खुलकर बताया। तो मुझे लगता है वो कारण को दूर करके वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को मैं वहाँ सीट दे सकता हूँ और वहाँ समर्थक भी हमारे अपने बहुत हैं। वहाँ के लोगों की डिमांड थी, वहाँ मेरे कार्यकर्ता बहुत हैं। वहाँ तो आज के समय पे 3/4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ चल रहे हैं और जिस तरह से वहाँ माहौल चल रहा है तो उसको देखने के बाद ही मैंने वहाँ पर अपने को पेश किया, मेरी दावेदारी पेश की। देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के हरपुर विंदवालिया गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति की दूसरी पत्नी घर के अंदर कुंडी लगाकर बैठ गई और दूसरी पत्नी अपने बच्चों के साथ बाहर दरवाजे पर अंदर जाने के लिए अड़ी रही, जिसकी सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने दोनों पत्नियों को समझाने की लगातार कोशिश करती रही। इस दौरान दूसरी पत्नी ने आरोप लगाते हुए बताया कि वो घर का रजिस्ट्री करा चुकी है। वहीं पहली पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके छोटे छोटे बच्चे वो आखिर कहां जाएंगे और क्या करेंगे। हमने घर खरीदा है सर जी। और मैं इस घर में रह रही हूँ और ये सारे सामान ले जा चुकी, पहले रहती थी लेकिन जब हमने घर खरीदा है तो उसको एप्लीकेशन द्वारा हम बताए कि देखो मेरा घर खाली कर दो और मैंने घर खरीद लिया, कही ठीक है मैं तुम्हारा घर खाली कर दूंगी, सामान लेके जा चुकी है सब। इनका आरोप है कि मैं पहली पत्नी हूँ आप दूसरी पत्नी है। सर ऐसा कुछ मामला नहीं है सर, ये हमको 2016 से मुकदमा में लड़ाती है सर और हम हरियाणा में थे सर, ये बच्चे मेरे 8 महीने का था और हमको झूठी FIR करके हरियाणा से पकड़ के और हमको जेल करा दी। क्या कसूर था मेरे छोटे बच्चे का लेकर हमको जेल करा दी झूठी FIR में, यही की घटना दिखाकर, इसी घर की घटना दिखाकर सर। आपके पति इनसे शादी किए हैं सर? देखिए इसका मामला हम नहीं जानते हैं कि क्या है, पति पत्नी ये जाने, लेकिन सर हमको घसीटती। संभल के थाना नखासा क्षेत्र के ग्राम पंचायत ठिल्लूपुरा में ग्रामीणों ने राशन डीलर पर कम राशन वितरण करने का आरोप लगाया है। सरकार द्वारा प्रत्येक राशन कार्ड पर 5 किलो प्रति यूनिट राशन उपलब्ध कराया गया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ राशन डीलर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जहां राशन डीलर कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति यूनिट नहीं देकर कम वितरण करने का ग्रामीणों ने राशन डीलर पर आरोप लगाया है। क्या नाम है गाँव का? नाम जहाँ राशन लेना है कौन सा गांव है? ठल्लूपुरा। तो आपको कितना राशन मिलता? 9 किलो। अच्छा, दो नाम है आपके तो आपको 10 नहीं मिलता? अब ये भी तो खाएंगे कुछ। अच्छा, ये भी खाएंगे तो आपको जो 9 किलो देते हैं अपनी मर्जी से देते हैं या आप अपनी मर्जी से 9 किलो लेती हैं उनसे? ये अपनी मर्जी से लेते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हो? अच्छा, जहाँ पर राशन लेना है कौन सा गाँव है? ये ठल्लूपुरा। तो आप राशन जो लेने आई हो तो राशन आपको पूरा मिलता है? हर बार कम मिलता है? 9 किलो मिलता है। आपके नाम दो हैं कार्ड में तो आपका तो उसमें 10 किलो बैठ रहा है, फिर आप 9 किलो क्यों ले रही हो? आपने कहा नहीं कि 10 किलो बैठ रहा है हमारा। अलीगढ़ के थाना पिसावा में खेत पर चारा लेने गई अनुसूचित जाति के महिला के साथ दो युवकों ने जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला, जिसकी चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। वहीं दूसरी ओर बलात्कार का विरोध कर रही महिला के साथ आरोपियों ने जमकर मारपीट भी की। वहीं दूसरी ओर पड़ोस के खेत में काम कर रही ग्रामीणों ने एक आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है, वहीं दूसरे ओर एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। देखिए, पिसावा में कल यह की सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, जिसमें एक महिला द्वारा अटेम्प्ट टू रेप की सूचना प्राप्त हुई थी।
मौके पर जैसे ही पुलिस पहुंची है और वहां पर जाकर उस महिला को मौके से मेडिकल के लिए भेजा गया है और जो अभियुक्त था उसको स्थानीय गढ़ों ने वहीं पकड़ लिया था, तो उसको भी वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है और जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए। खबर औरैया के अरवा कटरा से है, जहां आगामी एक महीने तक चलने वाले दोवा मेला की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस दौरान थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल और उपनिरीक्षक ने मेले का पैदल भ्रमण किया और थाना अध्यक्ष राम सराय पटेल ने भी सभी दुकानदार भाइयों से बातचीत की और झूले वालों को सख्त निर्देश दिए कि अगर किसी को दिक्कत होती है तो तुरंत झूला रोका जाए और सभी दुकानदारों से कहा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुरंत अवगत कराया जाए। फरुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। आशा बहुओं की मेहरबानी से कस्बों में अवैध नर्सिंग होम चल रहा है। रेहान नर्सिंग होम में आशा बहुएं बिना डॉक्टर की डिलीवरी करा रही हैं। वहीं अवैध नर्सिंग होम संचालक आशा बहुओं को एक डिलीवरी के 1500 से लेकर 2000 तक देते हैं। स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से जिले में सैकड़ों की तादाद में अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, लेकिन नर्सिंग होम पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चंदौली में कुछ दबंगों ने सरेआम पिस्टल से फायरिंग की है। ये पूरा घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी है। कोर्ट में पैतृक जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने पहले खेत पर मारपीट की, इसके बाद दरवाजे पर आकर पिस्टल से जमकर फायरिंग की गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। फरुखाबाद में गरीबों के राशन पर कोठेदार डाका डालने से सरकार लगे हुए हैं और इसके अलावा गरीबों के लिए चना, नमक और रिफाइंड के साथ अनाज भी दिया जा रहा है। कोठेदार एक किलो चने के पैकेट में से चना निकालकर कम वजन कर पैकेट दे रहे हैं। जब ग्रामीणों ने तराजू पर तौल करके देखा तो चने के पैकेट पर कोठेदार की घटतौली का मामला उजागर हुआ है। ये मामला ब्लॉक कमालगंज क्षेत्र के गोपालपुर का है। कानपुर में जमीयत उलमा ने नशा विरोधी अभियान का आगाज किया है। इस दौरान अशरफबाद जाजमऊ से पुरानी चुंगी तक रैली निकाली गई, जहां पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही नशे से होने वाले नुकसान को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। आदत की वजह से बहुत सारी बुराइयां हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारे शहर में पनप रही हैं। घरों के झगड़े, बाहर के झगड़े, दूसरे वाकियात, उनमें कहीं ना कहीं नशा एक वजह बनती है। हमारे मुल्क में आए रोज बेशुमार वाकियात बच्चियों के साथ ज्यादती के होते हैं। अगर सही तौर पर उनका तजिया किया जाए तो उनमें से अक्सर वाकियात वो होते हैं जिनमें सबब नशा बनता है, क्योंकि नशा इंसान के अक्ल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देता है, ये समझ उसके जहन से ख़त्म। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली अंतर्गत चिलबिलिया चौकी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर किराना स्टोर से बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं इस घटना से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं आसपास के दुकानदारों ने सब पूरी घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद भारी पुलिस बल के साथ सीओ सिटी और नगर कोतवाली मौके पर पहुंचकर जांच करने में जुट गए हैं। अरे क्या भाव हुआ लिया गया है। कितना था? 2 लाख के अंदर। कितने लोग आए थे? 3 लोग। ये मोहली में रुपेश कुमार की किराना की दुकान है और यहाँ पर इनके बताने के अनुसार 3 अज्ञात लोग आए और इनके गलत से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए निकाल के लेकर चले गए। देवरिया एसपी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी हिस्ट्री शीटर आकाश सिंह के रामनाथ वार्ड नंबर 2, जो कि उसके द्वारा अपराध से अर्जित धन से बनाया था, उसको कुर्क कर लिया गया है। इस मकान की कीमत करीब 37 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि आकाश सिंह पर रंगदारी मांगने, हत्या करने की नीयत से गोली मारने, पुलिस के ऊपर हमला करने समेत कई मुकदमे दर्ज हैं।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।